बच्चों, आज हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मना रहे हैं। इन महान पुरुष ने इस देश को बनाने में जो अभूतपूर्व योगदान दिया है, उसके हम सभी ऋणी हैं। जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पूर्व देश को एक त्रासदी से गुजरना पड़ा। 14 अगस्त को ही देश का विभाजन हो गया और एक नया देश पाकिस्तान बन गया। उसके बाद देश के हालात ऐसे थे, जो 562 लगभग रियासतें थी वो स्वतंत्र रूप में थी, अंग्रेजों को आजाद कर गए थे, वो कहीं भी जा सकती थी। लेकिन इन्होंने देश की एकता को बनाए रखने के लिए, आज का जो भारत है उसको बनाने के लिए, सभी राजाओं को, सभी रियासतों को समझा के बुझा के इकट्ठा किया और एक भारत बनाया। आज जो हमारा जो एक भारत है, वो भारत इनकी बहुत बड़ी इसमें देन रही है। तो आइए आज इन महापुरुष के थोड़ा सा जन्म के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म गुजरात राज्य के नाडियाड में हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। इनकी शिक्षा जो है इंग्लैंड में हुई थी, बैरिस्टर इन्होंने जो लॉ की डिग्री की थी इंग्लैंड से। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया 1918 में। गुजरात में एक खेड़ा आंदोलन था किसानों का, उसमें भाग लिया, उसमें सफलता प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने बारडोली का जो आंदोलन था किसानों का 1928 में गुजरात के अंदर, वो भी बहुत सफल रहा। किसानों के ऊपर जो टैक्स बढ़ा दिए थे ब्रिटिश सरकार ने उस समय। उसके बाद ये गांधी जी के साथ रहे, देश के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अहम भूमिका निभाई और देश की आजादी के बाद देश को इकट्ठा करने में, एक राष्ट्र बनाने में, आज जो भारत है उसको बनाने में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। राष्ट्र सदैव इनके प्रति कृतज्ञ रहेगा और इनके सम्मान में सरकार ने एक यूनिटी ऑफ स्टैचू बनाई, जो 31 अक्टूबर 2018 को जिसका उद्घाटन किया गया। इनके जो सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू बनाई गई है, जो 182 मीटर ऊंची है, जो गुजरात के अंदर ही है, सरदार सरोवर डैम के पास में, जो वो है केवड़िया नामक स्थान है उस पर बनी हुई है। ये जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। आज हम इनको याद करते हैं, इनको श्रद्धांजलि देते हैं और